आज लेखपाल साहब हमसे खर्चा लिखे साहब, लेकिन आज तीन दिन अचार हो गया। क्या नाम है लेखपाल साहब का? नाम तो नहीं पूछता है साहब उनका। अच्छा, पैसा भी लेते हैं लिखवा? हाँ, पैसा बिना कहीं ना खर्चा ले। हम कहें तुम्हारा आए के देखा मौका, जहाँ सेक्टर हो वहाँ सड़क करें, हम खर्चा तो हम दे तो कहे कि आने का। अभी देख लीजिए कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो है लेखपाल साहब जो है, अगर नापने आएंगे तो पैसा खर्चा लेते हैं, बिना खर्चा के नहीं आते हैं। बता लीजिए कि मैं आ चुका हूँ प्रयागराज जिले में, जिस तरीके से देख रहे हैं कोराव तहसील के अंतर्गत पड़ता है, और जिस तरीके से यहाँ पे एक नई नोट का निर्माण कराया जा रहा है, यहाँ पे जिस प्रकार से बता दें कि इनका आरोप है कि जो है सड़क जो है ये टेढ़ी बनाई जा रही है और इनके चकमे से बनाई जा रही है। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बता क्या है आपको आपत्ति, किस प्रकार से जो है यहाँ पे विरोध कर रहे हैं आप? साहब, हमारी आपत्ति पहली ये है कि आज करोड़ों साल से हमारा पानी यहाँ बह रहा है। कहाँ बह रहा है ये दिखाइए, कहाँ पे बह रहा है आपका पानी? और जिस तरीके ये जो नाली है ये 100 साल पुरानी नाली है और इसको जो है यहाँ पे बंद कर दिया गया है। यहाँ कोई नाली, यहाँ कोई नाली नहीं थी, यहाँ कोई नाली है ये नहीं है। तो ठेकेदार ने आगे बढ़ा दिया। तो हम महिला सड़क आती है BW, हम क्या पक्की सड़क बनकर बनाकर पानी निकालेंगे? कहाँ निकालेंगे साहब? तो हमारे पानी का निदान किया जाए और सैकड़ों भी पानी हमारे यहाँ जमीन पड़ती है पानी के अभाव से। आज 2 साल से प्रचंड चल रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से ये रोड बनाई जा रही है, कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जमीन में से बनाई जा रही है। हाँ, ये सबसे बात है साहब, हमारी जमीन दाब दी गई है। आपने अभी कसम दिया कहीं? हाँ दिया साहब, बता दीजिए मंगल दिवस को दिया तो। ये दिखाइए, ये जिस तरीके से जो है ये तहसील में जो है एप्लीकेशन भी दिए हैं कि हमारे जो है चकमे से बनाई जा रही है, मगर इनका जो है क्या उनको साहब लेखपाल साहब जो है कोई कुछ पैसा भी नहीं है क्या? हाँ, लेखपाल साहब हमसे खर्चा लिखे साहब, लेकिन आज तीन दिन अचार हो गया। क्या नाम है लेखपाल साहब का? नाम तो नहीं पूछता है साहब उनका। अच्छा, पैसा भी लेते हैं लेखपाल? हाँ, पैसा बिना कहीं ना खर्चा ले। हम कहें तुम्हारा आए के देखा मौका, जहाँ सेक्टर हो वहाँ सड़क करें, हम खर्चा तो हम दे तो कहे कि आने का। अभी देख लीजिए कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो है लेखपाल साहब जो है, अगर नापने आएंगे तो पैसा खर्चा लेते हैं, बिना खर्चा के नहीं आते हैं। पानी बहुत कहाँ? आइए आइए और दिखाते हैं, आइए। जो है ये बाएं साइड में जो है सड़क दब चुकी है और यहाँ सरकार देखा जाए यही जो है दोनों माध्यम कदम जो है इसका विरोध किया जा रहा है। अगर ये विरोध खत्म हो जाएगा तो इस गांव का जो है विकास होगा, अगर ये विरोध जताएंगे तो विकास नहीं होगा। में हम पानी अपन बहावत है, लेकिन राजे से हम मतलब कि हमारा पानी नहीं भाई, हमारा पाइप नहीं लगा। अंकल जी, ये बताइए क्या ये सड़क जो है ये विकास के लिए कार्य हो रहा है, तो ये दोनों पक्षों से गांव गांव का सहमति होता है? हाँ, पूरी। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं लाभ हो, लेकिन जहाँ सेक्टर जहाँ स्थित बा वह जगह हो, टेढ़ा मेढ़ा न हो। हाँ, केहू कहीं दबावा जाए, केहू कहीं मैंने बचावा जाए। अच्छा, केवल आपका दबा रहे हैं और किसी का नहीं दबा रहे? नहीं दबा रहे हैं, प्रधान जी से आप बात करिए। आप प्रधान भाई भी बता रहे हैं कि साफ गुजर बना रहे हैं, हमारे भी चेक में ऐसे ही किए हैं। अच्छा, साफ गुजर बना रहे हैं सड़क? हाँ, टेढ़ी मेढ़ी। तो ये देख लीजिए, यहाँ से दिखाइए कैमरा में से कहेंगे, ये देखिए जो ये आ रहा है बाइक लेके आदमी, देख रहे हैं यहाँ से एकदम सीधी सड़क होनी चाहिए, बाएं साइड में जो है सड़क जो है वहाँ टेढ़ा है। टेढ़ा है, वहाँ टेढ़ा है तो टेढ़ी किए हैं, लेकिन बाकी सही है। टेढ़ा तो नहीं है, तो टेढ़ा तो नहीं है, कागज में टेढ़ा है कि सीधा है? टेढ़ा नहीं है, सीधा है। सीधा है, सब कागज में सीधा है सर। अच्छा, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजीव राम। ये बताइए क्या है आप लोगों का, ये मामला क्या है, कितने दिन से विरोध कर रहे हैं आप लोग? सर जी, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सेक्टर जो है कागज में लेखपाल महोदय, चकबंदी महोदय, ये सब सीधा सेक्टर बनाए थे और आज रोड बन रही है तो किस लिए टेढ़ी मेढ़ी बन रही है सर जी? यही हमारा। अच्छा, आपका यही कहना है? तो ये चचा बता रहे हैं कि हम तहसील में गए थे और एप्लीकेशन देने के लिए, तो लेखपाल हमसे पैसा भी उठा लिया। ये सर हम ये नहीं जानते हैं, लेखपाल आते हैं तो भाई जैसा जिसका काम है वैसा उनसे खर्चा लिया जा रहा होगा। अब हम तो ये नहीं बता रहे हैं कि लेखपाल साहब मांग रहे थे। अच्छा अच्छा, हम नहीं बता पाएंगे सर जी, हम न गए। ये देख लीजिए कि ये देखिए ये भागे, तो अब ये सीधा है कि टेढ़ा है, ये तो प्रशासन का काम है, ये लेखपाल का उनको का काम है कि यहाँ पे आके मौके पे देख कर निस्तारण करें, नहीं तो इसमें जो है लड़ाई विवाद और अनेक प्रकार के जो है यहाँ इस पे बढ़ते रहेंगे। विकास के बारे में सोचा जाए तो हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विकास बहुत चाहते हैं, मगर जब गांव के लोग ही अगर लग जाते हैं कि गांव का विकास हो, मगर कहते हैं कि इनके में एक हाथ जाएगा एक हाथ उनके में से जाएगा, इससे भी विकास हो जाता है।
तो चाचा क्या कहेंगे आप? अब हम क्या करेंगे साहब, हम यही चाहते हैं कि सड़क सीधी हो, जहाँ जैसा सेफ्टर है और हमारा पाइप लगे हमारे पानी का निस्तारण, यही जो बात हमारी। अच्छा, यही है मतलब अधिकारियों से कहना? हाँ, यही कहना है, नहीं तो हमारी फसल सब नष्ट दो साल से हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि पानी नहीं बहेगा, खाना की पानी बात की पानी, आप बताइए, आप देख लीजिए, हम पानी पहने। तो ये जान लीजिए, जेई साहब इस खबर को देख रहे हो, जेई साहब एसडीएम साहब जो भी हो, इनकी जो है खबर को देख के जो है इनका निस्तारण करा जाए, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ी जो है घटना होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये तो चाचा बता सकते हैं कि चाचा ये बताइए कि अगर ये सड़क बन जाएगी तो क्या ये गांव का विकास होगा? हाँ होगा साहब, हम चाह रहे हैं सड़क बने, लेकिन जैसा रोज जहाँ वहाँ मतलब जांच पड़ताल करके तब बने। हाँ, इसकी जाँच की जाए कहाँ सेक्टर है, कहाँ बन रही है और कहाँ पानी बह रहा है, कहाँ बहना चाहिए, तो यही हमारा निदान है साहब कि हमारा पानी अगर नहीं बह जाएगा तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, हम आज दो साल हो गया भूखों मर जाएंगे। देख लीजिए, गरीबों की होती है कहानी, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये निस्तारण करके अगर सड़क बनाई जाएगी तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, नहीं तो इस पे जो है विराम लग जाएगा, तो गाँव का विकास भी नहीं हो पाएगा। सड़क बनती बा, सीधी नहीं बनती बा, पूरी सड़क टेढ़ मेढ़ बनती बा। मानक का बा, एकर मानक के विषय में हम बिल्कुल पता ही नहीं बा, कैसे का मानक से ही बनती बा। पहले जो हमारे जानकारी में बड़ा वाला सोलिंग पड़े चाहे ओकरे बाद जी टू ऊ पड़े चाहे जीएसबी, लेकिन जीएसबी पहले पड़त बा। ये लोग बताओ था कि चूना पड़ा बा, चूना कितना पड़ा बा, अब हम नहीं जानते हैं, भराए के नहीं डाल दे हैं, कितना डाले हैं, का बानक बा, कितना पड़े चाहे। ये कितने किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है? अब हमारे जानकारी में अब तक रही 2 किलोमीटर बता रहे हैं, अब पता चलता बा 1.5 किलोमीटर बा। गजनी के नाम से, यहाँ से गजनी के नाम से रोड सैंक्शन बा दीनदयाल उपाध्याय के वहाँ में, लेकिन रोड लगभग लगभग हमारा अंदाज बा 700-800 पीछे छूटत गया, अब वह मोहल्ला में छू नहीं जाती है। अच्छा, वहाँ पे रोड नहीं बनाई जा रही है, मतलब माना के अनुसार नहीं बनाई जा रही है? मानकई के हिसाब से अब भाई कैसे बने ही, लेकिन जौन हमारे समझ में बा अब तक उतना काम नहीं मानक के हिसाब बा, या तो क्यों अधिकारी बतावें जी SDO बतावें क्यों ना कि हाँ हमारा मानक का बा, ऐसे हम कैसे जान ले कि नहीं का बताई कि कैसे बा मानक का बा। तो इससे आप संतुष्ट नहीं है? हमारे समझ में नहीं, हम न संतुष्ट है, और पूरी रोड हमारे टेढ़ बंद बा, हमारे खुद खेते में लग जहाँ डाल दे ये ऐसे टेढ़ मेढ़ जैसे सड़किया कीड़ा। अच्छा, ये कौन से गांव का मामला है और कौन सा तहसील लगता है? भगेसर गांव, ग्राम पंचायत भगेसर है, तहसील कोराव है, जिला जिला प्रयागराज। ठीक।